energy is the driving force behind every growing economy mari petroleum has been fueling the national economy for the last 54 years starting only as a production company mari petroleum has over the years expanded its operations to exploration and enp allied services with 13 exploration licenses and 8 DNP leases as an operator and 9 exploration licenses and 6 DNP leases as non-operating joint venture partner. Mari Petroleum is currently the second largest e company in the country. Our financial and operational performance has helped us emerge as a blue chip company at the stock market. Rising share price is a testament to investors confidence oil and gas produced by the company helps the country in saving billions in foreign exchange every year the company is one of the largest contributors to the government exchequer in sindh madi gas field currently the largest gas field in the country is the backbone of the company's operations and production adherence to health safety and environmental policies is our way of life CSR earns MPCL repute of a caring concern. Initiatives in the health, education, and communication infrastructure endorse our mission to serve the nation. Makes MPCL what it is today and what it will be tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Sal. Closing hai. आज सत्ताईस तारीख है मार्केट ने बहुत ही लैकलफ परफॉर्मेंस दिया वॉल्यूम नहीं था वन एटी एटी फाइव माइनस हुई फिर मार्केट में स्टैगनेशन आ गई तो बहरहाल जैसे मैंने कहा है कि कुछ थकी हुई कंपनी में स्पार्क आएगा और स्पार्क सिर्फ आएगा उनका ईयर एंड बेहतर करने के लिए तो आप लोग प्लीज़ बच करें नंबर वन नंबर टू मुझसे बार बार लोग सवाल करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे सरमायाकारी की जाए क्या किया जाए तो इसके बारे में मैं इन डिटेल में अपने शुरू के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इसके स्टेप्स हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आप प्लीज़ कोई बहुत अच्छे मायनास और मस्ंद ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं जब आपका ये स्टेप हो जाता है उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। और नंबर ती, तीन जो आपके आते हैं उनका आसा आसा करके मैं जवाब दे रहा हूँ जहाँ तक हो सके आप ज़रूर मुझसे पूछेगा हम भी रिसर्च करके जवाब देते हैं ऐसे किसी कंपनी के बारे में नहीं बता सकते तो उम्मीद है कि आपको हमारे जवाब पसंद आ रहे होंगे सवाल ज़रूर पूछिए हम जवाब के लिए हाजिर हों और आज की कंपनी के बारे में हम बता देते हैं पुरजोर अपील पे इसके बारे में बता रहे हैं तो इन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको मिलते हैं प्लीज़ डोंट गो एनी वेयर पाकिस्तानी बन के जियो पाकिस्तानी मरी पियोरी जी वेलकम टू माय ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल मैं हूं डॉक्टर बाबर जेदीन आपसे मुखातिब हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग जहां जहाँ भी हों खुशरम और सर्दियों को एंजॉय कर रहे फिर मैं आपको माजी के दरीचों में ले जाता हूँ के वाले साहब ने मुझे सर्विस टेक्सटाइल के काफ़ी शेयर्स उसक दिए सर्विस इंडस्ट्रीज़ के और जो कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी पड़े हैं और ये ऐसी कंपनी है कि ये इसके शेयर आपके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर एक वालिद के पास ये शेयर हैं तो वो शेर उसके बेटी या बेटे को जाना चाहिए दिस इज रियली अ ब्लू चेप कंपनी और मैंने भी इस कंपनी के शेयर्स को संभाल के रखा है इनको सेल आउट नहीं किया और करते 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 अपन माशाअल्लाह मेरे पास फाइव टू सेवन थाउजेंड शेयर्स हैं अब मुझे याद नहीं है और मुझे तब पता लगता है जब डिविडेंड इनका आता है कि ए सर्विस वालों का डिविडेंड आ गया तो बहरहाल हमारी आज की कंपनी है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीस मार्च उन्नीस को पाकिस्तान में कम्युन एक्ट उन्नीस के तहत बनी फिर बाद में ये कंपनी एक्ट के तहत कन्वर्ट हो गई प्रिंसिपल एक्टिविटी कंपनी का है परचेज़ मैनुफेक्चर से ऑफ तो फुटवेयर्स टायर्स ट्यूब्स रबर्स एंड टेक्निकल रबर प्रोडक्ट्स तो ये काफ़ी टायर्स भी बनाती है वह ज़्यादातर फुटवेयर के लिए मशहूर है और इनके शोरूम जगह जगह आप देख रहे होते हैं और इनका मेन एड्रेस सर्विस हाउस टू मेन गुलबर्ग लाहौर है आर एफ सईद साहब सी ई ओ हैं चौधरी अहमद जावेद इनके चेयरमैन हैं कंपनी सेक्रेटरी इनके वहीदाशो हैं रजिस्ट्रार्पलम प्राइवेट लिमिटेड हैं और ऑडिटर्स रियाज अहमद एंड चौधरी चार्ट फाइनेंशियल ईयर इनका दिसंबर में है इसके इक्विटी प्रोफाइल मैं बता देता हूँ मगर उस इक्विटी प्रोफाइल में जो ख़ास चीज़ है वो आपको जो बताने वाला हूँ वो उसका फ्री फ्लोट है मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ट्वेंटी वन बिलियन वन एटी फाइव मिलियन टू फिफ्टी फोर थाउजेंड एंड थर्टीन शेयर्स इसका फोर्टी सिक्स मिलियन नाइन हंड्रेटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स एट और फ्री फ्लोट इसका एटीन मिलियन सेवन हंडी फोर थाउजेंड नाइन एटी टू और फ्री फ्लोट फोर्टी परसेंट है इसके मतलब कि फोर्टी परसेंट इसका शेयर जो है ना मार्केट में आउटस्टैंडिंग है और इतनी कॉर्नर कंपनी नहीं है अब आए इसकी कंपनी की डेली फाइनेंशियल और आउटपुट के ऊपर तो आज जो सत्ताईस तारीख को इसको ओपन हुई है फोर फोर्टी फाइव पे हाई लगा फोर सिक्सटी लो लगा फोर फोर्टी वन वॉल्यूम अठारह सौ और क्लोज हुआ है फोर फिफ्टी तो देखिए इसमें कंपनी में काफ़ी फ्लक्चुएशन है और काफ़ी मतलब मज़े करा सकती है इसका जो फोर्टी फाइव फिफ्टी टू वीक का रेंज है 402 से लेके 1230 तक मतलब कि इतना लंबा रेंज है कि ये 800-900 हज़ार के ऊपर चली जाती है तो ये कंपनी मैं कहता हूँ कि मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़े शीशे लेके रख लीजिए ये इन आपको ये कंपनी मायूस नहीं करेगी अब हम चलते हैं कंपनी के बाकी फाइनेस के ऊपर इनकी जो सेल्स भी बहुत अच्छी हैं ट्वेंटी बीस दो हज़ार बीस की जो सेल्स हैं ट्वेंटी फोर बिलियन 442 मिलियन 492 नाइन्टी टू एज़ कम्पेयर टू 26 बिलियन दो हज़ार उन्नीस उसमें कंपनी की जो वेबसाइट पर जाते हैं या कंपनी के जो शेयर्स है वो बता देते हैं कि कंपनी को स्टैगनेशन हुई है थे फुटबॉल इंडस्ट्री में उनका काम नहीं था फुटमेल काम नहीं था कोविड की वजह से इन्होंने काफ़ी लॉस किया है और इनकी एक दो सब्सिडीज़ है सर्विस ग्लोबल फुटर है और सर्विस इंडस्ट्रीज इन, है लिमिटेड जो अपनी है उसमें भी स्टैंड चिलया है तो इस वजह से इनका जो 2019 का जो क्या कहते ई पी हाई था मगर 2020 का लो है और फिर भी कंपनी ने ना परफॉर्म अच्छा किया है मैं अगर आप इनका बता दूं कि 2019 का इनका ई था 37.73 और 2018 का है 56.47 और इस साल है 29.37 ये मैं आपके फिगर्स जो कोड कर रहा हूं 2020 के फिगर कोट कर रहा हूं अब जो इनका जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है ना इसका रिजल्ट जो है फरवरी मार्च में आएगा एंड आई एम श्योर कि कंपनी इस बेहतर परफॉर्म करेगी इनके रेशोज़ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ट्वेंटी पॉइंट वन थ्री है नेट प्रॉफिट मार्जिन टू पॉइंट एट टू है ई पी एस ग्रोथ है नेगेटिव आया है ट्वेंटी टू पॉइंट वन सिक्स उसकी रीज़न कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर वे बता दिया है और पैक जो है इनका नेगेटिव वन पॉइंट टू एट है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी ने इस साल इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर और इनका जो पे आउट्स है बहुत हैंडसम्स हैं जो लास्ट इनका पे आउट है जो कि वेबसाइट पर आ रहा है मार्च थर्टी दो हज़ार इक्कीस को फाइनेंशल्थ इकतीस बारह दो हज़ार बीस को ईयर एंड है वन फिफ्टी परसेंट फाइनल डिविडेंड हंड्रेड परसेंट बोनस जिन्होंने अवेल किया है वो उन्होंने मज़े किए हैं और जो जून पच्चीस दो हजार बीस को है फाइनेंश रेट इकतीस तो बारह इनका है सेवेंटी फाइव परसेंट फाइनल और पच्चीस परसेंट बोनस तो मतलब वो ये रेगुलर पे आउट दे रही है और कंपनी बेहतर हालात में है और इस साल जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी अपनी ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगी इसके जो अगर हम वेबसाइट पर वे जाएँ तो इनके गेयरिंग रेशियो आप देखिए तो गेयरिंग रेशियो इसका 59.60 है इसका मतलब है कि कंपनी में 50% परसेंट लोन उठाए हुए हैं और फेयर वैल्यूज़ पे फे उठाए हुए हैं और दूसरा इनका जो है एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी फुली ओन्ड जो है ना क्या कहते हैं अर्निंग पर शेयर इनका ट्वेंटी नाइन में बता दिया है उसकी डिप्रेशन की वजह हाँ वो बता रहा है कि उसमें इनकी जो सब्सिडीज़ हैं वो उन्होंने सपरेट कर दी है सर्वर सर्विस ग्लोबल फुटवेयर इंडस्ट, इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक और ये है कि इन्होंने सारा जो अपना जो इलेक्ट्रिकल इनपुट्स है ना वो इन्होंने सोलर में कर दिया तो ये क्लेम कर रहे हैं कि तो बिगेस्ट कंपनी ऑन ग्रीन पैनल इन पाकिस्तान तो बल्कि एशिया में भी क्लेम कर रहे हैं तो ये बेहतर कंपनी वाले इस काल के रिज़ल्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं तो ये तो हो गया जी कंपनी का सारा क्या कहते हैं एनालिसिस अब मेरा अपना पर्सनल ये है देखें ये जो शेयर है इसका फोर फिफ्टी फोर सिक्सटी के रेंज में आता है तो ये थोड़े से इसे रखे ले कर रख दें रिकमेंड कर रहा हूँ इसकी पूरा देखिएगा कि फ्लक्चुएशन काफ़ी है मगर शेयर्स टाइट है अट्ठारह सा शेयर ट्रेड होते हैं क्योंकि हैवी शेयर है इस वजह से बहुत कम एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र होते हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा था ये शेयर कभी आ जाए तो घर से निकल लाने चाहिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड सर्विस इंडस्ट्रीज़ को आप परचेज़ करें और ये ऐसी चीज़ है कि यह फादर टू सन जाना चाहिए या फादर टू नेक्स्ट जनरेशन जाना चाहिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन वीडियो के साथ बहुत जल्द हम हाजिर होंगे इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए हम हमें दौ में याद रखिए वसला तो वसलम ख़ात्म नबीन इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू मिचल ज्यूबली जिसकी हर बाइट में मिले च्यूवी मिल्की चॉकलेटी मजा इसमें सेंट्रल फिल्म कैरिमल और नोगेटेन की गुडनेस है इन रिशिस्टेबल मिचल ज्यूबली एफ्री बाइट मेक्स यू वॉन्ट मोर